Well, hey guys, so ये है कलर पेंसिल ट्यूटोरियल का एपिसोड नंबर 1 एंड आज इस एपिसोड में हम लर्न करेंगे कलर पेंसिल्स के मीडियम्स के बारे में. सो या शुरू करते हैं फिर. टाइप्स ऑफ कलर पेंसिल्स मीडियम. Alright, so कलर पेंसिल्स काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड में आते हैं एंड इन्हीं के साथ इन कलर पेंसिल्स के डिफरेंट टाइप्स के मीडियम भी आते हैं. जैसे कि कुछ कलर पेंसिल्स होते हैं वैक्स बेस्ड, कुछ कलर पेंसिल्स होते हैं ऑयल बेस्ड, कुछ कलर पेंसिल्स होते हैं वाटर बेस्ड एंड कुछ कलर पेंसिल्स होते हैं पेस्टल बेस्ड. सो जितने भी नाम मैंने अभी यहाँ पे लिए हैं ये कलर पेंसिल्स के ब्रांड के नाम नहीं है, ये इन कलर पेंसिल्स के मीडियम्स के नाम है, यानी कि वो मीडियम्स जिनसे इन कलर पेंसिल्स की लेड बनती है एंड जिनको हम इनके बाइंडिंग एजेंट के नाम से जानते हैं. जैसे कि वैक्स बेस्ड कलर पेंसिल्स में वैक्स बाइंडर का यूज करा जाता है, इसलिए हम इनको वैक्स बेस्ड कलर पेंसिल्स कहते हैं. एंड इसी तरह ऑयल बेस्ड कलर पेंसिल्स में ऑयल बाइंडर का यूज करा जाता है एंड वाटर बेस्ड कलर पेंसिल्स में वाटर सोलेबल बाइंडर का यूज करा जाता है, यानी कि जब वो वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो वाटर कलर पेंट में टर्न हो जाता है. एंड ऐसे ही पेस्टल बेस्ड कलर पेंसिल्स में पेस्टल बाइंडर का यूज करा जाता है. बाइंडर का मतलब बेसिकली वो चीज जिसमें कलर पेंसिल में जो पिगमेंट होते हैं, जो कलर्स होते हैं एंड जो अदर इंग्रेडिएंट ऐड किए जाते हैं उन सबको साथ में जोड़े रखता है एंड कलरिंग करते टाइम कलर पिगमेंट को पेपर पे स्प्रेड करने में हेल्प करता है. एंड इसीलिए हम इनको इनके डिफरेंट टाइप के मीडियम के नाम से जानते हैं. एनीवेज, नाउ हम इन कलर पेंसिल्स के मीडियम्स के बारे में शॉर्ट में एक एक करके लर्न करेंगे कि इनके डिफरेंट मीडियम होने से इन कलर पेंसिल्स में क्या डिफरेंस आता है. एंड हाँ, एक चीज को नोट करना कि यहाँ पर मैं इन कलर पेंसिल्स के मीडियम्स के बारे में कंपैरिजन नहीं कर रहा कि ये वाले कलर पेंसिल्स के मीडियम बेटर हैं फिर ये वाले मीडियम बेटर हैं. यहाँ पे सिर्फ हम इन कलर पेंसिल्स के मीडियम्स के बारे में लर्न करेंगे. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं हम पहले वैक्स बेस्ड कलर पेंसिल से. ओके, सो वैक्स बेस्ड कलर पेंसिल्स की लेड कुछ इस तरह की दिखती है. इनकी जो लेड होती है वो सॉफ्ट होती है. अगर आप अपने नेल्स को स्क्रैच करोगे तो इसका जो पिगमेंट है वो निकलने लगता है. वैक्स कलर पेंसिल यूज करने में बहुत स्मूथ लगते हैं, क्रीमी लगते हैं. इनके सॉफ्ट पिगमेंट की वजह से इनके जो कलर्स हैं वो ज्यादा स्प्रेड होते हैं पेपर पे एंड इन कलर पेंसिल्स को यूज करने पे ऐसा लगता है कि आप किसी कैंडल को किसी पेपर पे रब कर रहे हो, तो सेम वैसे ही फीलिंग आती है इनको यूज करके. अगर आपने कभी ट्राई करा हो तो ये जस्ट एग्जांपल था. बाय द वे, मैंने इनको डिफरेंट टाइप्स के पेपर में भी यूज करके देखा तो पेपर के डिफरेंट टेक्सचर की वजह से इनको यूज करने के फील में थोड़ा डिफरेंस मिलता है. कलर पिगमेंट की बात करें तो वैक्स बेस्ड कलर पेंसिल्स के कोल्ड एंड वार्म कलर काफी ब्राइट होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं एंड इनके जो लाइट एंड डार्क शेड्स हैं वो काफी अच्छे से बैलेंस्ड होते हैं. ब्लेंडिंग की बात करें तो वैक्स बेस्ड कलर पेंसिल के सॉफ्ट पिगमेंट की वजह से इनके जो कलर्स हैं काफी अच्छे से काफी स्मूथली ब्लेंड होते हैं एंड काफी क्रीमी लगते हैं. एंड लेयरिंग की बात करें तो वैक्स बेस्ड कलर पेंसिल से लेयरिंग काफी अच्छे से होती है, कलर्स काफी अच्छे से लेयर होते हैं एक दूसरे के ऊपर. ओवरलैपिंग की बात करें तो वैक्स बेस्ड कलर पेंसिल्स ओवरलैप तो हो जाते हैं बट ओवरलैप होने की वजह से इनके जो कलर्स हैं वो थोड़े से डार्क हो जाते हैं या फिर थोड़े से चेंज हो जाते हैं. इरेजिंग की बात करें तो अगर आप अपने कलर पेंसिल को कम प्रेशर अप्लाई करके यूज करोगे तो ये इजीली इरेज हो जाते हैं बट जैसे ही आप कलर पेंसिल में प्रेशर को बढ़ा दोगे तो इनको इरेज करना थोड़ा टफ हो जाता है. लिमिट की बात करें तो इन कलर पेंसिल्स के सॉफ्ट पिगमेंट की वजह से इनके जो लेड होती है बीच बीच में ब्रेक होती है, जिसकी वजह से इन कलर पेंसिल्स को बार बार शार्पन करना पड़ता है एंड जिसकी वजह से वैक्स बेस्ड कलर पेंसिल जल्दी खत्म हो जाते हैं, ज्यादा टाइम तक नहीं चलते. एंड हाँ, वैक्स बेस्ड कलर पेंसिल एक ऐसे कलर पेंसिल्स के मीडियम है जो सबसे ज्यादा मिलते हैं एंड अभी आपके पास जो कलर पेंसिल्स होंगे या तो वो वैक्स बेस्ड कलर पेंसिल्स होंगे या फिर कोई और मीडियम हो सकता है, बट जो मोस्टली जो कलर पेंसिल होते हैं वो वैक्स बेस्ड कलर पेंसिल्स ही होते हैं. इसका रीजन आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि ऐसा क्यों है. एनीवेज, नाउ अब हम बात करते हैं ऑयल बेस्ड कलर पेंसिल्स के बारे में. ओके, सो ऑयल बेस्ड कलर पेंसिल्स की लेड कुछ इस तरह की दिखती है. इनकी जो लेड होती है वो हार्ड होती है. अगर आप अपने नेल्स से इसको स्क्रैच करोगे तो इसका जो पिगमेंट है वो नहीं निकलता बिकॉज इसकी हार्ड लेड की वजह से. ऑयल बेस्ड कलर पेंसिल्स यूज करने में स्मूथ लगते हैं. इनके हार्ड पिगमेंट की वजह से इनके जो कलर्स हैं प्रॉपर क्वांटिटी में निकलते हैं, ज्यादा वेस्ट नहीं होते एंड इन कलर पेंसिल्स को यूज करने पर ऐसा लगता है कि आप किसी मार्बल को किसी पेपर पर चला रहे हो बिकॉज मार्बल की तरह इसकी जो लेड है वो हार्ड है बट जब आप उनको पेपर पर यूज करते हो वो बहुत स्मूथ लगते हैं. सेम वैसे ही इनके जो लेड है वो हार्ड है बट कलर करते टाइम ये स्मूथ लगते हैं. हाँ, मैंने इनको डिफरेंट टाइप्स के पेपर में भी यूज करा था तो पेपर के डिफरेंट टेक्सचर की वजह से इनको यूज करने के फील में थोड़ा डिफरेंस मिलता है. कलर पिगमेंट की बात करें तो ऑयल बेस्ड कलर पेंसिल्स के कोल्ड एंड वार्म कलर काफी ब्राइट होते हैं, थोड़े डल भी होते हैं एंड इनके जो लाइट एंड डार्क शेड्स हैं वो भी काफी अच्छे से बैलेंस्ड होते हैं. ब्लेंडिंग की बात करें तो ऑयल बेस्ड कलर पेंसिल्स काफी स्मूथली एंड इजिली ब्लेंड होते हैं. लेयरिंग की बात करें तो ऑयल बेस्ड कलर पेंसिल्स से लेयरिंग काफी अच्छे से होती है, कलर्स काफी प्रॉपर क्वांटिटी में निकलते हैं जिसकी वजह से लेयरिंग अच्छे से होती है. ओवरलैपिंग की बात करें तो ऑयल बेस्ड कलर पेंसिल्स के ऑयली बाइंडर की वजह से इनके जो कलर्स हैं ओवरलैप अच्छे से नहीं होते. इरेजिंग की बात करें तो अगर आप अपने कलर पेंसिल को कम प्रेशर में अप्लाई करके यूज करोगे तो ये इजीली इरेज हो जाते हैं बट जैसे ही आप कलर पेंसिल में प्रेशर को बढ़ा दोगे तो इनको इरेज करना थोड़ा टफ हो जाता है. लिमिट की बात करें तो इन कलर पेंसिल्स के हार्ड पिगमेंट की वजह से इनके जो कलर्स हैं वो ज्यादा ब्रेक नहीं होते जिसकी वजह से इन्हें बार बार शार्पन करने की जरूरत नहीं एंड जिसकी वजह से ऑयल बेस्ड कलर पेंसिल्स मैक्सिमम यूज करने में भी ज्यादा टाइम तक चलते हैं. तो ये था ऑयल बेस्ड कलर पेंसिल्स के बारे में. नाउ अब हम बात करते हैं वाटर बेस्ड कलर पेंसिल्स के बारे में.
ओके सो वाटर बेस्ड कलर पेंसिल्स की लाइट कुछ इस तरह की दिखती है। इनके जो लाइट होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। अगर आप अपने नेल से इसको स्क्रैच करोगे तो इसका जो पिगमेंट है बहुत ही इजीली निकलने लगता है। वाटर बेस्ड कलर पेंसिल यूज करने में बहुत ड्राई लगते हैं, थोड़े रुक रुक के चलते हैं। इनके सॉफ्ट पिगमेंट की वजह से इनके जो कलर्स हैं बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं पेपर पे एंड थोड़े वेस्ट भी होते हैं। इन कलर पेंसिल्स को यूज करने पे ऐसा लगता है कि आप किसी ड्राई मार्कर को किसी पेपर पे यूज कर रहे हो। एंड ये वाटर बेस्ड कलर पेंसिल है तो जब तक आप इस पर वाटर कलर टेक्निक नहीं यूज करोगे तो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। बाय द वे मैंने इनको डिफरेंट टाइप्स के पेपर में भी यूज करा था तो पेपर के डिफरेंट टेक्सचर की वजह से इनको यूज करने में थोड़ा डिफरेंस मिलता है। कलर पिगमेंट की बात करें तो वाटर बेस्ड कलर पेंसिल्स के कोल्ड एंड वार्म कलर काफी ब्राइट होते हैं एंड इनके जो लाइट एंड डार्क शेड है वो भी ठीक ठाक बैलेंस्ड होते हैं। ब्लेंडिंग की बात करें तो वाटर बेस्ड कलर पेंसिल्स बिना वाटर कलर टेक्निक के अच्छे से ब्लेंड नहीं होते, बट जैसे ही अगर आप इस पर वाटर कलर टेक्निक यूज करोगे तो ये काफी अच्छे से ब्लेंड करने लगते हैं। लेयरिंग की बात करें तो इनसे लेयरिंग करना बहुत टफ हो जाता है जब तक आप इस पर वाटर कलर टेक्निक नहीं यूज करते। ओवरलैपिंग की बात करें तो वाटर बेस्ड कलर पेंसिल से ओवरलैपिंग तो हो जाती है बट ओवरलैप होने की वजह से कलर्स थोड़े चेंज हो जाते हैं या फिर थोड़े से डार्क हो जाते हैं। इरेजिंग की बात करें तो अगर आप अपने कलर पेंसिल को कम प्रेशर अप्लाई करके भी यूज करोगे तो इनको इरेज करना बहुत टफ हो जाता है। लिमिट की बात करें तो इन कलर पेंसिल्स के सॉफ्ट पिगमेंट की वजह से इनके जो लेड है वो बीच बीच में ब्रेक होती रहती है जिसकी वजह से इन्हें बार बार शार्पन करना पड़ता है एंड जिसकी वजह से वाटर बेस्ड कलर पेंसिल बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, ज्यादा टाइम तक नहीं। एनीवेज नाउ अब हम बात करते हैं पेस्टल बेस्ड कलर पेंसिल्स के बारे में। ओके सो पेस्टल बेस्ड कलर पेंसिल्स की लेड कुछ इस तरह की दिखती है। इनकी जो लेड होती है वो बहुत हार्ड होती है, थोड़ी सी रफ होती है। अगर आप अपने नेल से इसको स्क्रैच करोगे तो इसका जो पिगमेंट है वो नहीं निकलता बिकॉज ये पेस्टल बेस्ड है, तो इनका जो पिगमेंट है वो पाउडर की तरह निकलता है। पेस्टल बेस्ड कलर पेंसिल्स यूज करने में रफ एंड ड्राई लगते हैं। इनके चौक जैसे पिगमेंट की वजह से इनके जो कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं, थोड़े वेस्ट भी होते हैं एंड इन कलर पेंसिल्स को यूज करने पे ऐसा लगता है कि आप किसी हार्ड चौक को किसी पेपर पे रफ कर रहे हो तो सेम वैसा ही लगता है। बाय द वे मैंने इनको डिफरेंट टाइप के पेपर में भी यूज करके देखा था तो पेपर के डिफरेंट टेक्सचर के जिसे इनको यूज करने में थोड़ा डिफरेंस मिलता है। कलर पिगमेंट की बात करें तो पेस्टल बेस्ड कलर पेंसिल्स के कोल्ड एंड वार्म कलर ज्यादा ब्राइट नहीं होते एंड इनके जो लाइट एंड डार्क शेड्स हैं वो काफी अच्छे से बैलेंस्ड होते हैं। ब्लेंडिंग की बात करें तो पेस्टल बेस्ड कलर पेंसिल्स काफी अच्छे से एंड बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। ये चीज अलग है कि इनको यूज करके थोड़ा रफ लगता है बट फिर भी ये काफी अच्छे से ब्लेंड होते हैं। एंड लेयरिंग की बात करें तो इनसे अच्छे से तो नहीं बट लेयरिंग हो जाती है। ओवरलैपिंग की बात करें तो पेस्टल बेस्ड कलर पेंसिल्स काफी अच्छे से ओवरलैप होते हैं। इरेजिंग की बात करें तो अगर आप अपने कलर पेंसिल को कम प्रेशर या ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके यूज करोगे तब भी इजीली इरेज हो जाते हैं। लिमिट की बात करो तो इन कलर पेंसिल्स के चौक जैसे पिगमेंट की वजह से इनकी जो लाइट होती है वो बीच बीच में ब्रेक होती रहती है जिसकी वजह से इन्हें बार बार शार्पन करना पड़ता है। ये नॉर्मल शार्पन से शार्प नहीं होते जिसकी वजह से हमें इसमें कटर यूज करना पड़ता है एंड जिसकी वजह से पेस्टल बेस्ड कलर पेंसिल बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं, ज्यादा टाइम तक नहीं चलते। पेस्टल बेस्ड कलर पेंसिल्स को आप रेयर कह सकते हो बिकॉज काफी लोगों को नहीं पता होता कि ये वाले कलर पेंसिल्स के मीडियम भी एग्जिस्ट करते हैं एंड अगर आप इन कलर पेंसिल्स के मीडियम को स्टेशनरी में बाय करने जाओगे तो आपको नहीं मिलेंगे बिकॉज काफी लोगों को नहीं पता होता। अगर आप इस मीडियम को ऑनलाइन बाय करने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे एंड आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा बाय करूं। सो आप कह सकते हो कि पेस्टल बेस्ड कलर पेंसिल एक रेयर मीडियम है। और राइट सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा एंड अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि ये आपको एपिसोड कैसा लगा एंड अगर इस वीडियो में मैंने कुछ बताने से गलती कर दी तो उसके लिए सॉरी बिकॉज ह्यूमन नेचर हो जाता है। बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।